अरविंदर सिंह लवली के दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद अब पूर्व कांग्रेस विधायक नीरज बसोया और नसीब सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है। नसीब सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे अपने त्याग पत्र से आम आदमी पार्टी से गठबंधन को दुखदायी बताया है। तो अरविंदर सिंह लवली ने हालांकि पार्टी नहीं छोड़ी है और अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद इस्तीफों का सिलसिला है वो थम नहीं रहा। बहुत सारे सीनियर लोग जो हैं जो शीला दीक्षित की सरकार में रहे हैं, ऐसे 30-35 XMLA जो है, हम लोग विरोध कर रहे थे इस आम आदमी पार्टी से गठबंधन का। और हम ये कह रहे थे कि जिन लोगों ने हमारे नेताओं के बारे में ऐसी ओछी भाषा का इस्तेमाल किया उस समय और हम लोगों को बदनाम किया, प्रोपेगेंडा किया कि ये भ्रष्ट हैं, ये इन्होंने हम जेल भेजेंगे, और तो और इन्होंने हमारी नेता सोनिया गांधी को और शीला दीक्षित को जेल में डालकर इंटरोगेट करने की बात की, हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी का भारत रत्न छीनने की बात कही। ऐसे लोगों के साथ आज हमारी हाईकमान समझौता गठबंधन कर रहे हैं, और वो गठबंधन भी दिल्ली की 3 सीटों पर, मैं तो समझता हूँ दिल्ली की 1 सीट पर गठबंधन किया है हमारी पार्टी ने। जो 2 लोग हैं वो हमारी आइडियोलॉजी के लोग नहीं हैं, वो कांग्रेस से बाहर के लोग हैं। हमारे अंदर अभी मॉरल वैल्यूज़ हैं, सिद्धांत हैं हमारे पास, लेकिन सोनिया गांधी के पार्टी की कमान छोड़ने के बाद पार्टी में क्या हाल हो रहा है ये हमसे भी नहीं देखा जा रहा है।